दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने जियो फोन के अंदर हॉटस्पॉट को कैसे ऑन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपने जियो फोन के अंदर बहुत ही आसान तरीके से अपने हॉटस्पॉट को इनेबल कर सकते हैं और दूसरे जियो फोन के अंदर कनेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि अपने जियो फोन के अंदर हॉटस्पॉट कैसे इनेबल करें तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीट पूरा लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको इसके लिए सबसे पहले अपने जियो फोन के अंदर दो सेटिंग चालू करनी होगी। पहले आपको अपने जियो फोन का वाईफाई कनेक्शन चालू करना होगा, उसके बाद आपको अपना जियो फोन का नेट चालू करना होगा। उसके बाद आपको सिंपली अपने जियो फोन के गूगल ब्राउजर को ओपन करना होगा। गाइस आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना होगा, तभी आप लोग अपने जियो फोन के अंदर हॉटस्पॉट को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस आपको सर्च करना होगा bananahackers.net। जी हाँ दोस्तों, आपको यह सर्च करना होगा। जैसे आप लोग सर्च कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर एक फर्स्ट वेबसाइट मिल जाती है bananahackers.net। आपको सिंपली इस वाली वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस भी आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको सिंपली गाइस नीचे आना होगा। यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आई अंडरस्टैंड द रिस्क, आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको नीचे आना होगा। यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन मिल जाता है विजिट साइट का, आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइस आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। गाइस आपको ऊपर 3 लाइनें देखने को मिल जाती है, आपको सिंपली 3 लाइनों पर क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको सिंपली गाइस स्क्रॉल अप करके नीचे आना होगा। यहाँ पर गाइस हम सिंपली नीचे आ जाते हैं। गाइस जैसे आप लोग नीचे आते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है हॉटस्पॉट फॉर जियो फोन, आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइस आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना होगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब गाइस आपको सिंपली नीचे आना होगा। यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन मिल जाता है लॉन्च हॉटस्पॉट मेन्यू का। दोस्तों आप लोग इसी बटन के जरिए अपने जियो फोन के अंदर हॉटस्पॉट सेटिंग ऑन कर सकते हैं। अपने जियो फोन के अंदर हॉटस्पॉट को बहुत ही आसान तरीके से ऑन कर सकते हैं, आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। गाइस क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो हमारा हॉटस्पॉट है वहां पर आ चुका था। गाइस वो यहाँ से फिर से हट चुका है। यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर गाइस आपको एक एरर देखने को मिल जाता है फोन्स इंटरनेट कनेक्शन विथ USB कनेक्टेड डिवाइस। गाइस यहाँ पर एक एरर है, तो आपको करना क्या होगा, फिर से बैक आना होगा। गाइस बैक आने के बाद आपको फिर से एक बार कोशिश करनी होगी। यहाँ पर गाइस जैसे आप लोग बैक आ जाते हैं जो आपको हॉटस्पॉट सेटिंग का ऑप्शन है वो आपको कभी कभी देखने को नहीं मिलता है, तो आपको सिंपली ऑप्शन वाले बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है रिफ्रेश का, फिर से आपको सिंपली से रिफ्रेश कर लेना होगा। दोस्तों रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से हॉटस्पॉट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। गाइस आपको यहाँ पर बार बार कोशिश करनी होगी इस पर क्लिक करने की। गाइस आपको 20 में से एक बार तो आपका जो हॉटस्पॉट है वो ऑन हो ही जाता है। गाइस आपको यहाँ पर बार बार कोशिश करनी होगी, क्योंकि गाइस जो लोग कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। जो लोग गाइस कोशिश करके छोड़ देते हैं उनका हॉटस्पॉट कभी ऑन नहीं होता है। तो आप लोग गाइस इसके अंदर बार बार इस पर ट्राई करें हॉटस्पॉट ऑन करने की, तो आपका हॉटस्पॉट है वो ऑन 100% होगा। यहाँ पर मैं गाइस फिर से यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद फिर से एरर आ जाता है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग बार बार कोशिश करें। गाइस यहाँ पर फिर से आप लोग इसे रिफ्रेश कर ले, गाइस मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। गाइस अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसके अंदर मैंने लाइव आपको हॉटस्पॉट ऑन करके बताया है, तो वो आप लोग मेरा वीडियो देख ले। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्योंकि गाइस उस वीडियो के अंदर मैंने लाइव प्रूफ हॉटस्पॉट ऑन करके बताया इस सेटिंग के जरिए, तो आप लोग उस वीडियो को नीचे जाकर देख ले। तो गाइस आप लोग इस तरह बार बार कोशिश करके अपने जियो फोन के अंदर हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं, साथ ही में दूसरे जियो फोन के अंदर कनेक्ट भी कर सकते हैं। आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर दें कि हॉटस्पॉट को कैसे कनेक्ट करें, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा।
दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। दोस्तों आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसका आप लोग हमें नीचे कमेंट कर दें, मैं उसके ऊपर दोस्तों वीडियो बना दूंगा।